चटबा संभल के चंदौसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने बदायूं में हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में परिजन को एक सरकारी नौकरी व दोषियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व बदायूं जनपद के उगेती थाना क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर जनपद संभल के चंदौसी तहसील परिसर में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की तथा पीड़िता के परिजनों को मुआवजा एवं एक सरकारी नौकरी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्य ने कहा कि आज हमने तहसील परिसर में बदायूं काट के दोषियों को फांसी की सजा एवं पीड़िता के परिजनों को मुआवजा व एक सरकारी नौकरी की मांग की है। बदायूं में एक आंगनबाड़ी की सामूहिक रूप से मंदिर में हत्या कर दी गई है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप क्या मांग कर रही हैं? हमारी सरकार से मांग है हमारी बहन को न्याय दिया जाए, उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, जो लोग हत्यारे हैं उनके लिए फांसी की सजा दी जाए।